डीजे भेजोई शर्मा, डीजे भेजोई सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या किसी ने कल्पना करी थी कि शर्मा ऐसा जलवा दिखाएगा? तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि आपको कुछ धांसू ही दिखाऊंगा, कुछ बढ़िया ही दिखाऊंगा, हाँ, तो उसी कड़ी में पहुंच चुके हैं आज हम शर्मा डीजे भेजोई जी के पास। सन 1980 से करीबन, सन 1980 से जी, इतना हार्ड है उसका, तो उसके आगे कोई भी आप टॉप ले आइए, मेरे टॉप के सामने अगर कोई भी दो टॉप को सामने अगर कोई फेल करके दिखा देना तो मैं चैलेंज करता हूँ उसके लिए। दोस्तों अभी तक आपने देखा नितिन भाई मुरादाबादी जो डीजे सेटअप पर अपनी बड़ी बड़ी सीआरवी और लाइट लगाते हैं उनका इंटरव्यू, और मैंने पूरा का पूरा इंटरव्यू दिखाया, उनसे पूरी मुलाकात भी दिखाई। अब अपनी इस कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं। तो दोस्तों हमने मुरादाबाद छोड़ दिया है और अब हमारा सफ़र आगे की तरफ को, हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं एक मुरादाबाद रामपुर की साइड के एक सबसे फेमस, पर्सनैलिटी थे। तो बने रहना दोस्तों, हमारा सफ़र कंटिन्यू चालू। तो दोस्तों जैसे अपनी कड़ी चल रही है आज, हम इसी कड़ी में पहुंच चुके हैं डीजे शर्मा भेजोई, और भेजोई वाले शर्मा जी हमें रास्ते में ही मिल गए हैं। अभी आपको जनरेटर का आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और हमने बात कर ली थी कि शर्मा जी आपसे मुलाकात करनी है, तो शर्मा जी हमको मिल गए हैं रामपुर में। हाँ, तो हमारा भेजोई जाना बच गया। दोस्तों समय हो चुका शाम का, करीब बजने वाले 5, और अपना सफर चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर। और मैंने बोला था कि आज एक स्पेशल जगह जा रहे हैं और एक स्पेशल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज है, बेहतर मैसेज है कि राकेश भाई उनका इंटरव्यू दिखाओ। तो आज मैं उनके इंटरव्यू के लिए पहुंच चुका हूं रामपुर, लेकिन वो बंदे रामपुर के नहीं है, रामपुर से तो करीब 150 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, लेकिन हमें मिल गए रामपुर में। तो आपको मिला देता हूं एक डैशिंग पर्सनालिटी से, डीजे की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। तो वैसे तो आप लोग शायद जान गए हो कि रामपुर की बात कर रहा हूँ तो किधर पहुंचने वाला हूँ, तो फिर भी मैं बात करवा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे शर्मा जी डीजे भेजोई, शर्मा डीजे भेजोई सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या किसी ने कल्पना करी थी कि शर्मा ऐसा जलवा दिखाएगा? दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि आपको कुछ धांसू ही दिखाऊंगा, कुछ बढ़िया ही दिखाऊंगा, हाँ, तो उसी कड़ी में पहुंच चुके हैं आज हम शर्मा डीजे भेजोई जी के पास। तो शर्मा जी यहाँ कैसे हुए, यहाँ कैसे आना हुआ रामपुर में, क्योंकि भेजोई बहुत दूर यहाँ से। हाँ, यहाँ पर हमारी डिमांड आई थी, काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी गणेश चतुर्थी से, तो इस बार यहाँ के जो भी कमेटी, उन्होंने मन बना लिया था कि कोई नहीं कमेटी नहीं रह पाई तो हम शादी के प्रोग्राम में आपको जरूर लेके आएंगे। शादी के प्रोग्राम में इस बार आज हमारे कमेटी वालों के यहाँ किसी के यहाँ शादी थी, तो उन लोगों ने भाई उस यात्रा में नहीं जा सके, तो शादी में तो लेके चले, शादी में तो जरूर लेके चलेंगे। ये रहा, तो शादी में पर्सनली लेके आए हैं, और मेरे से बोला भी है पर्सनली आप ही आइएगा शर्मा जी। हाँ, कि मतलब बाकी तो लड़के देख लेते हैं। जी। हाँ, तो फिलहाल अगर यहाँ की छोटी सी बात करूँ तो यहाँ पे क्या, आप जैसे ये शादी वगैरह का ओकेशन होता, इसमें आप क्या क्या लगा देते हैं, कितना कितना? ओनली 8 बेस 2 टॉप लगाते हैं, तो शर्मा जी जैसे आप लोगों का ये डीजे का काम है, ये कब से है? राकेश भाई मेरा बहुत पुराना काम है, पापा जी के टाइम से है, लमसम इस काम के लिए ज्यादा नहीं तो सन 1980 से करीबन, सन 1980 से जी। थोड़ा दूर रखो राहुल भाई, थोड़ा सा दूर रखो, हल्का सा, बिल्कुल चेहरे आ गए, इतना रखो। सन 1980 बहुत पुराना काम है। जी, पहले पापा जी देखते थे और हमने अपने तरीके से उसे हैंडल कर रखा है, अब हम देखते हैं। हाँ, तो बस ये फर्क है कि सन 1980 आते थे, जैसे हम भी देखते थे, हम अपने घरों में भी कैबिनेट वगैरह बजाते थे, पहले वो कैबिनेट चलती थी और टेप रिकॉर्ड चलता था कैसेट वाला, वो सारी चीज़ हमारे पास अब भी रखी हुई है, पुराने एम्पलीफायर हैं,
एस्को ओरिएंट पता ना किस किस ब्रांड के रखते थे पापा जी जी, वो आज भी रखे हुए हैं हमारे पास। हाँ, कैबिनेट भी चलती थी और तुर्री जिन्हें बोलते थे वो भी कम नम 150 करीब वाला है हमारे यहाँ। तो अगर हम अपनी बात करें गांव देहात में चले जाएं तो वो पेड़ पे बांध देते थे। हाँ, वो भी है मेरे, उससे पता लग जाता था कि यहाँ पे इनके यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो दोस्तों बहुत लाइन के प्रोग्राम भी हम करते हैं, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक प्रोग्रामों में जो भी है वो तुर्री वही लगती है, औरंग जैसे बोलते हैं वही लगती है करते हैं। तो दोस्तों सन 80 से चल रहा है और शर्मा जी का और बदसुरमला है उसके तरह से रेगुलर कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज जैसे हाईटेक हो चुका है तो लेटेस्ट में आपके पास जैसे वो तो हो गया तुर्री वगैरह या कैबिनेट का काम, आज कितना अपडेट हो चुका है? आज के टाइम पे हम बहुत सारे ब्रांड चला रहे हैं, JBL है, RCF है, OHM है और एक हमारा एक अपना ब्रांड है हिटलर सीरीज जैसे बोलते हैं। अच्छा, हिटलर आपने जैसे नाम रखा तो उसकी क्या खासियत है? उसकी लाउडनेस के आगे आप कोई भी ब्रांड ले आइए, उसकी लाउडनेस के आगे आप रुक नहीं सकते। अच्छा, वो आपने पर्सनल खुद ही बनवाया? जी जी जी, लाउडनेस इतना हार्ड है उसका कि उसके आगे कोई भी आप टॉप ले आइए, मेरे टॉप के सामने अगर कोई भी दो टॉप को सामने अगर कोई फेल करके दिखा देना तो मैं चैलेंज करता हूँ इसके लिए। तो दोस्तों हिटलर तो हिटलर होने वाला है, हिटलर तो फेल पहले भी नहीं हुआ था, ये जरूर है कि लोग आजकल हिटलर को ज़्यादा हिटलर बताने लगे कि हिटलर साई कर रहे हो यार तुम, बाकी हिटलर का नाम बहुत ज़्यादा रहा है। तो अभी आप तो ये आवाज के मामले में तो कोई भी हमारी काट कर ही नहीं सकता, ये हमारी गारंटी। तो बहजोई में आपका प्रॉपर जो बहजोई क्या है, कस्बा है, शहर है, क्या चीज़ें? ये पहले तो कस्बा था और वो इस समय नया डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा संभल, उसका मुख्यालय यू है हमारा बहजोई, बहजोई में बन गया है, यानी काफ़ी डेवलपमेंट एरिया हो चुका है। जी जी, और 80 से आप लगे हुए हैं, अब तो काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, पहले तो नहीं था इतना। बाकी आज भी बहजोई को जो है पहले कांच फैक्ट्री के नाम से जाना था, तो हमारे यहाँ पर एक हमारे कांच फैक्ट्री थी, एशिया में दो जगह थी, एक कहीं और थी, एक हमारे बहजोई में थी, तो उससे बहजोई जाना जाता था, आज जो है हमारे नाम से जाना जाता है कि शर्मा डीजे बहजोई, ये नाम से जाना जाता है। तो बहुत बड़ी आपको सबसे इस बात की तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहजोई का नाम आता तो शर्मा डीजे के लिए आता है। तो जैसे वो कांच की फैक्ट्री थी उसमें कांच की सीटें बनती थी या कुछ बर्तन वगैरह? कांच की सीटें बनती थी, सारे काम। तो आप ही देखते हैं या ये काम ये घर में मेरा भी? नहीं, मैं और मेरा छोटा भाई देखता हूँ जिसका नाम विजेंद्र कुमार शर्मा है, और दोनों भाई हैंडल करते हैं। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। हाँ, हम दो ही भाई देखते हैं, बाकी और कोई नहीं है, हमारे पूरे परिवार में कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो दोस्तों ये है शर्मा जी, सबसे पहले तो मेरी थोड़ी सी गलती रही, मैंने स्टार्टिंग में नहीं पूछा आपका फुल नाम, आज तक नहीं पता। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा, क्योंकि बस शर्मा डीजे बहजोई, शर्मा डीजे बहजोई से ही फेमस है, सारे शर्मा डीजे नाम से ही जानते हैं, नाम से कोई नहीं जानता। जितेंद्र कुमार जी चेहरे से सारे जानते हैं। जी जी, तो जितेंद्र कुमार जी हैं और जितेंद्र कुमार जी से हम थोड़ा सा और भी बातें करेंगे, लेकिन एक जो हमारी यात्रा गई थी अभी 2023 उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। आप पहली बार मेरठ से गए? हाँ, पहली बार गए थे, पहली बार गए थे ना, बहुत कई साल से डिमांड आ रही थी हमारी कि शर्मा जी एक बार जरूर आइए आप हरिद्वार, तो इस बार मैंने मन बना रखा। कैसा रहा? बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ मतलब कावड़ का बहुत ही अच्छा तरीका है वहाँ पे, मतलब जैसा कि मैं और जगह के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, फिर भी बहुत अच्छा वहाँ का माहौल जो है, हरिद्वार का माहौल बहुत अच्छा। आप बरेली की साइड चले जाओ या आप गढ़ की कावड़ चले जाओ, इन सबसे बहुत ऊपर का लेवल का है हरिद्वार कावड़ मेला, बहुत अलग ही मेला, बहुत अलग ही। तो कुछ ये नहीं है कि भाई हाँ आप अपने आप में धुरंधर हैं, जानते हैं डीजे कैसे बजाना, तो कुछ सीखने को मिला वहाँ से? हाँ बिल्कुल सीखने को मिला। हाँ, जैसे पहली बार गए थे वहाँ बारिश थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, हमारे सामने दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। जी जी, इस बार तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, बारिश ने मेला होने ही नहीं दिया, कोई डीजे सही से कंपटीशन भी नहीं हुए, बजे भी नहीं। हाँ, ये तो रही, ये बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि आदमी कहीं बड़ी जगह जाता, आगे कभी मन बनेगा तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार होकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी करके जाएंगे। पहला एक्सपीरियंस था और मैं अगर डीजे कंपटीशन को तो एक तरफ छोड़ दो, साउंड की बात ही छोड़ दो, तो बहुत बढ़िया साउंड बजी थी, बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही थी 2023 के मेले में, और पब्लिक का भी अच्छा प्यार मिला हमारे लिए, पब्लिक बहुत थी, जैसे पहली बार गए थे हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा उन्होंने पब्लिक ने हमें प्यार दिया। इंतजार था आपका कि शर्मा आ रहा, ये बहुत ज्यादा क्रेज बन चुका था यात्रा होने से पहले कि भाई शर्मा आ रहा, बहजोई वाला शर्मा आ रहा, क्योंकि इस तरफ मैं अपनी वीडियो में कई बार बोला है और कि मुरादाबाद की साइड में अगर हम लोग आते हैं तो डीजे शर्मा बहजोई को जैसे भगवान की तरह आदमी
याद रखता कि मैं भगवान ही पूछ रहा है। मैंने एक डायलॉग मारा था एक बार, आपको याद हो मुरादाबाद आप मुझको मिले थे, कि अगर ये कह दिया जाए कि भाई तुम्हें शर्मा जी, एक तरफ शर्मा जी और एक तरफ भगवान जी हो, तो आदमी क्या कहेगा? तो वो कहेगा भगवान एक मिनट के लिए माफ कर दे, एक बार शर्मा जी को छुया हूँ। तो आगे फिर भगवान के पैर भगवान के पैरों पड़ जाए, गलती हो गई, लेकिन एक बार शर्मा जी को छुया। तो ये इस तरह नहीं, ये हमारा बरेली है, बरेली में तो क्राउड रहता ही है, इधर मुरादाबाद में पूरा सपोर्ट, पूरा क्राउड रहता है। बाकी मुरादा मेरठ में भी, अपनी मेरठ की पब्लिक में भी हमने थोड़ी सी जगह बनाई है, जैसे कि पहली बार गए थे हम। नहीं, प्यार मिला हमें, बहुत प्यार। और लाइटिंग के भी मैं आपको मार दूं कि आपने लाइट में जलवा भी खेर दिया है, और ऐसा जलवा भी खेर दिया दोस्तों कि इस बार की जो 2024 की यात्रा होने वाली ना, उस पे जितने भी डीजे हैं, मेरी सबसे बात होती है, जितने भी डीजे हैं सब लाइट पे जोर दे रहे हैं कि हमें लाइट ऐसी चाहिए, हमें लाइट वैसी चाहिए, हमें लाइट ऐसी चाहिए। तो ये बीज बो दिया शर्मा जी ने लाइट वाला भी साथ में, तकड़ा बोल दिया है साउंड के साथ साथ, इस बार लाइट का भी खेल होने वाला वहाँ पर। तो जैसे अभी आपकी है फिलहाल रिसेंटली आपके कुछ कैसे कैसे प्रोग्राम है आगे, फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है? अब एक अभी मेरी एक बड़े सेटअप की बाहर की बात चल रही है, वो थोड़ा मेरा सीक्रेट है, मैं अभी बता नहीं सकता आपको। जैसे भी क्लियर होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जैसे नहीं 8 मार्च शिवरात्रि आ रही है, 8 मार्च शिवरात्रि या हरिद्वार की तरफ? नहीं, मेरा बरेली का सेटअप है 8 मार्च। तो बरेली में कहाँ से जाता जल? बरेली में एक हमारा वहाँ पर एक जगह है संजय नगर, वहाँ से नाग परिक्रमा होती है पूरी बरेली की, उसमें हमारा सेटअप रहने वाला। किलोमीटर का रहता होगा टर्न? वो रहता होगा 11 से 12 किलोमीटर, 11 से 12, यानी एक दिन का ही है? एक दिन का ही है, ओनली बरेली का, वो जहाँ से जल लेते हैं और उसे परिक्रमा करके ऐसी है। जी जी, पूरी परिक्रमा और नाग परिक्रमा होती है। जी जी हाँ, उसमें पूरी परिक्रमा। तो वो 7 तारीख में रहेगी 8 में? ये हमारी 8 तारीख का सेटअप रहेगा, 7 तारीख को पहुँच जाएंगे। आप 7 तारीख को पहुंच जाओ, 8 तारीख का रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक की वो परिक्रमा रहती है। हाँ, तो चलो कोशिश करेंगे दोस्तों आपको बरेली के दिखाएं। बिल्कुल, हम तो हरिद्वार के सोच रहे थे इस बार जाने की, गढ़ से भी हमारा बुलावा है, तो हो सकता है बरेली पहुंच जाए। तो अभी आप देख रहे होंगे हम लोग कहाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरठ से चले थे, हमने शर्मा जी से बात कर ली थी, शर्मा जी ने बोला कि भाई रामपुर मिलूंगा, आप लोग आ जाओ। तो यही है हमारा सेटअप, यही हमारा स्टूडियो, यही हमारा घर है, यही हमारा ऑफिस है। तो आज यही वाला होने वाला, लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव। मोस्टली यात्राओं में मोस्टली क्या डिमांड रखते हैं आपसे पब्लिक, जो ये भोले वगैरह, जैसे हरिद्वार ये आपकी मुरादाबाद कावड़ यात्रा है, इसमें क्या डिमांड रखती है ज़्यादातर कि हमें ये चीज़ चाहिए? मुरादाबाद कावड़ यात्रा में कॉम्पिटिशन तो रहते ही है, थोड़ी बदतमीजियाँ ज़्यादा होने लगी है, तो इसलिए इस बार का मेला भी हमने छोड़ दिया था। आगे सारी चीज़ें आपको बताई हैं मैं? नहीं, वो मुझे पता है इस बार नहीं आए थे। जी जी, इसलिए इस बार का मैंने गैप कर रहा था, मगर नेक्स्ट ईयर पहुँचेंगे मुरादाबाद। ठीक था, सही बताऊं, अगर अगर बात करी जाए मुरादाबाद कावड़ यात्रा की, तो बिना शर्मा के मेला फीका। चलो ये तो सारा पब्लिक का प्यार है। नहीं, पब्लिक का प्यार मैं बता रहा हूँ ना, बाहर के जो डीजे आते हैं वो मोस्टली आते हैं शर्मा के पास, शर्मा के, कि भाई हमारा शर्मा के साथ कंपटीशन होगा, और पब्लिक भी यही चाहते हैं कि हमारा शर्मा बाहर के डीजे से भिड़े और उनको हरा दे, या वो जो भी करे, पब्लिक यही देखना चाहती है, और इस बार पब्लिक को ये देखने को नहीं मिला। तो इस बार का मेला फीका रहा है, बोल रहे थे लोग 0 पॉइंट पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, इस तरह की बात। बाकी कंट्रोवर्सी इस बार बहुत आई थी, इस बार कंट्रोवर्सी और डीजे के साथ बहुत ज्यादा हुई, इतनी कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, मार पिटाई भी हुई, बहुत कुछ हुआ इस बार। कुछ लोगों ने ये मुरादाबाद का मेला गंदा कर रखा है, पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, हम 2013 से जा रहे हैं वहाँ पर, और इतना सुकून और इतनी शांति से मेला होता था, मतलब साउंड के शौकीन हैं बहुत ज़्यादा मुरादाबाद के अंदर, और उनका सुनने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो अब एक दो साल से ज़्यादा दिक्कतें पैदा होने लगी, ये तो मैंने देखा है। देखो मैं 2 साल से मुरादाबाद आ रहा हूँ, उससे पहले मैं नहीं आता था, ना मुझे पता था कि मुरादाबाद में कावड़ भी होती है, मुझे 2 साल से पता लगा। मैं गढ़ से चलता हूँ और आपको मुरादाबाद तक डीजे डीजे मिलते हैं, पूरी लाइन लगी होती है, शायद इतने डीजे कहीं नहीं होते जितने मुरादाबाद के कावड़ में होते हैं। यहाँ डीजे की कावड़ निकलती है, हरिद्वार में कावड़ यात्रा ज़्यादा जोर रहता है, लेकिन मुरादाबाद में साउंड का ही जोर रहता है। साउंड का ही है। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को, हमारे चाहने वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? हम तो यही कहना चाहेंगे शर्मा साउंड को ऐसे ही भरपूर प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और आगे हम पब्लिक के लिए यही चाहेंगे कुछ नया सा नया देखने के लिए मिलता रहे हमारी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी मुलाकात, कभी मुलाकात पूरी अच्छे से बैठ के करेंगे, अभी तो रस्ते में खड़े हैं तो ज़्यादा बात हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि शर्मा जी का सेटअप आगे चला गया और शर्मा जी को जाना भी है। तो इस छोटी सी मुलाकात को यहीं विराम दे देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नए जगह, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू शर्मा जी, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, मिलेंगे आपसे जरूर जल्द। मेरा ना बस निकलेगा, हमें बहुत जरूरी है, ऑलरेडी हम कई घंटे लेट चल रहे हैं, आएगा बैठ लेते हैं फिर, आपके उधार रहे जरूर बैठेंगे, आएंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो ही आ रहा हूँ, हाँ मैं जो ही आऊँगा मैं पक्का। ठीक है।